बैठे बाबू इधर थोड़ा सा देख लीजिए, बढ़िया बढ़िया डिस्टेंसिंग में बढ़िया। हाँ बाबू ना बैठो यार, बस सामने देखिए भैया। पानी का हो यार, कहाँ है पानी तो यार भैया, ये नीम 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 मिट्टी गीला है, सड़ जाएगा ना। नहीं नहीं नीम के भी है, जहाँ डाला ही वही जा पानी डाला। हाँ नहीं नहीं पानी में कहीं मटा नहीं हुआ, मिट्टी खुद ही गीला है। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, और पीछे से ले लेंगे मुन्ना भी। तो बहुत सही जगह, ऐसा चीज है भैया कि छत पे रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, वो मतलब हो जाएगा। बस उसके प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। कहाँ जा रहे हो राजेश यार, पीछे आओ। सॉरी शक्तिमान, क्या उद्देश्य है पौधर बढ़ने का? आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण से ग्रसित भी है, पूरे विश्व पे कहर बरसा है कोरोना का। इस कोरोना से बचने के लिए और विश्व पूरे बनारस को का पर्यावरण संतुलित करने के लिए हम लोग 10 लाख बनारस में 3 महीने के लिए 3 महीना अभियान चला करके औषधि आधारित पौधे लगाने का आज संकल्प लिए हैं भारत माता मंदिर से, जिसमें आज हम लोग गिलोय, पारिजाता, तुलसी, नीम, सहजन का, आंवला का पौधा लगाए हैं, जिन पौधों को हमारे भारत में सदियों पहले जिनका
उपयोगिता बताई गई है और जिनकी उपयोगिता से ही भारत पूरे विश्व को दिशा देने का कार्य करता था। तो क्या जरूरत है आज पौधा रोपण दिन ही पौधा कर रहे हैं, रोपण कर रहे हैं, इसको पहले नहीं किए हैं? इसके पहले भी हम लोग लगातार समाज में कार्य कर रहे हैं। जो भी गिलोय का ही गिलोय के काढ़े का हम लगातार लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन पर्यावरण दिवस एक ऐसा दिन है जिस दिन पूरे विश्व का ध्यान पर्यावरण पे जाता है, और पर्यावरण दिवस पे अगर हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है कि वो सबसे अच्छा दिन है। इसलिए आज हम लोगों ने इस अभियान का संकल्प आज हम लोग लिए हैं। किस तरह संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि भारत जो है, भारतवर्ष औषधि आधारित जितने पौधे हैं उनका सेवन करके पूरे विश्व को दिशा देने का कार्य प्राचीन काल से चलता चला आ रहा है। इसलिए भारत में जो पुरानी जो परंपरा रही है गिलोय के उपयोगिता की, पारिजात के उपयोगिता की, नीम के उपयोगिता की, आंवले के उपयोगिता की, सहजन के उपयोगिता की, इन पौधों का सेवन समाज अगर करे तो समाज स्वस्थ रह सकता है, देश स्वस्थ रह सकता है, और जब देश स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो निश्चित तौर पर विकास देश का भी होगा, समाज का भी होगा और व्यक्ति का होगा। इसलिए हम लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान चला करके और लोगों को संकल्प दिलवा करके औषध आधारित पौधे 10 लाख बनारस में लगा करके स्वस्थ काशी और मस्त काशी का जो हम लोग एक नारा दिए हैं उस नारे को सफल बनाएंगे और उस नारे को लेकर के हम लोग जन जन तक जाएंगे। इसमें ऐसा है कि वर्तमान में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और शासन के जो शासनादेश में एक बहुत बड़ा लक्ष्य वृक्षारोपण का दिया गया है। पिछले बार भी यूपी ने पूरा एक रिकॉर्ड बनाया था और इस बार भी बढ़ चढ़कर करीब 25 करोड़ पौधे पूरे प्रदेश में लगाने का लक्ष्य। उस दिशा में जो बनारस में लक्ष्य मिला है उसमें ऑलरेडी मेरे द्वारा एक बैठक जो फॉरेस्ट अधिकारी और जितने भी डिपार्टमेंट जिनको टारगेट दिया गया उसके अवसर पर हो चुकी है। और इस बार जो हमारे मनरेगा के अंतर्गत भी जो हमारे कामगार भाई आए हैं उनके माध्यम से भी जितने भी ग्राम समाज की जमीन है, अन्य विभागों की जमीन है जहाँ पर वृक्षारोपण का एक के लिए वो उपयुक्त है, तो वहाँ पर उनके स्पीसीज के अनुसार से वहाँ पर वृक्षारोपण कराने का भी कार्यक्रम मनाया जा रहा है।